हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा हम कहीं जा रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, हम सब जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जो लोनावला में है। बस पहुँच गए हम, अभी आप देख लो। रेस्टोरेंट का नाम है अवन फ्रेश। गाड़ी पार्क कर दी है हमने, अब हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पर नीचे का जो सेक्शन है जहाँ पे हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर इंडियन फूड मिलता है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती, और ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ पर नीचे बेकरी मार्ट है, वहाँ पर केक, पेस्ट्रीज़ एंड कुकीज़ है अलग अलग। बहुत अच्छा है ये, क्रिसमस का डेकोरेशन लग रहा है मुझे। देखिए बस ये नीचे का सेक्शन है उनका, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुकीज़ है, स्वीडिश ओटमील कुकी, शुगर फ्री मल्टीग्रेन कुकी, बहुत सारे कुकीज़ थे। यहाँ पर चॉकलेट रस्क है, बहुत कुछ था वहाँ पर। कुकीज़ का ही पूरा सेक्शन है, बहुत कुछ अलग अलग। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ऐसी सब चीज़ें है वहाँ पर। चॉकलेट, स्वीट्स, केक, चीज़ केक भी अवेलेबल है यहाँ पर। सी बहुत वैरायटी है। ये सेक्शन में हम बस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ का व्लॉग शूट किया है। जाना हमने ऊपर के सेक्शन में है जहाँ पर मैक्सिकन, इटालियन ये सब मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ का वही सब ट्राई करना था कि स्पेशलिटी है वो। ये नीचे का है पूरा, कितना अच्छा एम्बियंस, कितना प्रिटी लग रहा है। लाइट्स वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है और बहुत ही बड़ा है। और ये है उसके बाहर का सेक्शन, मतलब ओपन है ये, अंदर है और उसके बाजू में ये बाहर का सेक्शन है, पर यहाँ पे फ़िलहाल सर्विस अवेलेबल नहीं थी। हमने उन्हें पूछा कि बाहर आप क्यों नहीं सर्विस दे रहे हो, तो उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे सर्व नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। और ये हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ पर आपको मैक्सिकन, इटालियन और इंडियन छोड़ के सारे फूड ऑप्शंस मिलेंगे। ऊपर का भी काफ़ी उन्होंने अच्छा डेकोरेट किया और बहुत ही स्पेशियस है, आप देख सकते हो आगे, वेरी वेरी प्रिटी। प्ले कर रहे थे वो, कोइंसिडेंटली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही थे। बहुत वक्त के बाद एक दूसरे को उन्होंने देखा। फिर वो जाकर मिले उनसे, बहुत सालों बाद उन लोग मिले थे। और वहाँ पर फिर किसी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, आप देखोगे अभी आगे उन्होंने कैसे रेस्टोरेंट ने कैसे सेलिब्रेट किया। फिर अभी आपने जैसे देखा मेरे बच्चे एक जगह नहीं बैठ रहे थे, तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमें बाहर सर्व कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं आता, हमें पार्सल लेकर घर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर हमारी रिक्वेस्ट पर बाहर सर्व किया। और अभी ये वॉशरूम एरिया है, बाहर साइड में है ये। और एक ओपन ग्राउंड है ऊपर का जो सेक्शन है ना रेस्टोरेंट का, उसके ठीक बाजू में, वहाँ पर मेरे बच्चे बहुत खेल रहे थे। बस इसी वजह से हम अंदर नहीं बैठ पाए, क्योंकि उन्हें बाहर ही आना था।
फिर निकलते वक्त मैंने ये सब ले लिया था थोड़ा बच्चों के लिए, बस अब हम जा रहे हैं। थोड़ा सा फोटोशूट किया, कबीर बैठ गया डैडी की सीट पर और फिर हम निकल लिए घर के लिए। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।